मधुपुर में फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और जटिलता के खिलाफ जमीन के रैयतों और मालिकों ने देवघर जिला भू अर्जन पदाधिकारी के कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। जमीन मालिकों का कहना है कि एक तो कोरोना काल की महामारी से लोग परेशान हैं, वहीं जमीन अधिग्रहण को लेकर अखबारों के माध्यम से भू अर्जन कार्यालय द्वारा जमीन से जुड़े दस्तावेज और बैंक खाता का डिटेल्स जमीन मालिकों से मांगा जा रहा है। इतना ही नहीं, सभी को देवघर कार्यालय बुलाया जा रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। जमीन मालिकों का स्पष्ट कहना है कि मधुपुर में आरओबी के तहत जमीन अधिग्रहण की बात विभाग कर रही है, लेकिन अभी तक ना तो मुआवजा की राशि ही तय की है और ना ही विवादित जमीन को सल्टाने का काम किया गया है। ऐसे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में कई तरह की खामियां देखी जा रही है। इतना ही नहीं, लोगों ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर भी तंज कसा है। कल प्रभात खबर में एक खबर छपी थी भू अर्जन पदाधिकारी द्वारा, जिसमें 28/2 को हम लोगों को अपने मकान के तमाम कागजात, बैंक पासबुक, फोटो वगैरह लेके उपस्थित होने के लिए कहा गया है। किंतु मैं भू अर्जन पदाधिकारी से पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में हम अपना मकान उजाड़ के कहाँ जाएंगे? एक तो मधुपुर की स्थिति भयावह है, ऊपर से मकान उजाड़ के कहाँ जाएंगे? तीसरी बात, हम लोगों को क्या मिलेगा, किस रेट से मिलेगा, ये भी कोई क्लियर नहीं कहा गया। ऐसा कहा जा रहा है कि निशिकांत दुबे विकास पुरुष है, लेकिन ये हम लोगों के लिए तो विनाश पुरुष साबित हो रहे हैं, जो मुझे रोजी रोजगार से हटाया जा रहा है। हम मांग यही सांसद महोदय से करना चाहते हैं, यहाँ किसी तरह का फ्लाईओवर नहीं बना के आगे लालगढ़ के आगे कोई पड़ती जमीन में वो फ्लाईओवर को निर्माण किया जाए, जो किसी तरह का मार्केट को बाधित न हुआ। सरदार पटेल रोड की हालत देख लीजिए, उसकी क्या स्थिति हो गई है। कि कल के पेपर में हमने पढ़ा, कि सबने पढ़ा है कि उसमें हम लोगों से सारा डॉक्यूमेंट, जैसे बैंक का डिटेल, फोटो वगैरह मांगा जा रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी क्लियर नहीं किया गया कि कितना मुआवजा हम लोग को मिलेगा और कितना ज़मीन जाएगा। अभी कुछ भी ये क्लियर नहीं किया गया है। बस हम लोग को बुला लिया गया है 28 तारीख को, और इस कोरोना काल में हम लोग को बुला लिया गया है। हम लोगों को दिक्कत यही है कि हम लोग को क्या मुआवजा देगा वो पता नहीं है, कितना ज़मीन ले रहा वो भी पता नहीं है। मनमानी ढंग से अभी हम लोग को 28 तारीख को बुलाया। जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, एक तो महामारी के चलते हम लोग कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ना तो ट्रेन है ना बस व्यवस्था है, तो हम किस तरह आपके यहाँ जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि आप बोल रहे हैं, आपकी सरकार बोल रही है कि 144 लागू है, जहाँ 5 आदमी से अधिक आप नहीं, लेकिन आप पूरे सबको 100 आदमी को कैसे बुला रहे हैं? क्या मुआवजा दिया जा रहा है उसका डिक्लियर आप पेपर में कीजिए। क्या आपको पता है कि आपको कितना मिल रहा है? नहीं, कुछ पता नहीं। चलिए जी, मैंने दिया हुआ था एक पेपर हुआ केस के लिए, मेरे बगल वाले ज़मीन का, उसका भी कोई अभी तक मुकदमा का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और उसका क्या मुआवजा मिलेगा, किसको मिलेगा अगेंस्ट पार्टी को, मुझे वो भी अभी क्लियर कट कुछ नहीं हुआ है। वो लोग हमें बताएं कि हाँ इतना मुआवजा, इतना स्क्वायर फीट, इतना पैसा हम लोग को दिया जा रहा है। और अभी कोरोना काल में भी बहुत मुश्किल हो रहा है, देवघर में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पर उपलब्ध नहीं होंगे कोई भी। कोरोना महामारी में घर से निकलना मना है, और मधुपुर में भी के गो केस निकल चुका है। हम लोगों को घर से निकलना मना है, उधर से पेपर में आदेश आता है कि आप लोग कागज जमा कीजिए, 2 कॉपी फोटो जमा कीजिए और अपना बैंक का एक खाता जमा कीजिए, जबकि हम लोग को किसी तरह का कोई बात बताया नहीं गया है। ज़मीन का क्या दे रहा है, मकान का क्या दे रहा है, एक मंजिला का क्या दे रहा है, खपड़ा पोस का क्या दे रहा है, जिसका टाइल्स मार्बल लगा हुआ है उसका क्या दे रहा है, हम लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया गया है। डायरेक्ट आदेश आ गया है कि 27 तारीख को आप लोग यहाँ सारा डॉक्यूमेंट जमा कीजिए, ऐसे कैसे होगा। हम लोग जो जनप्रतिनिधि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो सोची समझी साजिश है, हम लोगों को मानसिक और शारीरिक की प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। ओवर ब्रिज के नाम पर हम लोगों को जो बर्बाद किया जा रहा है, ना कोई मुआवजे की बात है, ना कहीं ज़मीन देने की बात है। हम लोग सरकार से ये निवेदन करते हैं कि इस कोरोना के काल में हम लोगों का घर कैसे बचे।
बहरहाल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भू अर्जन की प्रक्रिया किस हद तक सार्थक होगी और जमीन मालिकों को मुआवजा के रूप में क्या मिलेगा, यह तो सरकार के निर्णय पर ही टिकी है।